आपको बोला द रेशो ऑफ 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 टू वायर्स सेम रेडियामरियल क्योंकि सेम मटीरियल बोला तो दोनों वायर्स का यंग्स मॉड्यूल क्या रहेगा सेम ऑफ रेडिया तो दोनों वायर्स का radius का रेडियस कितना दिया टू इज टू वन इफ दीज वायर्स आर स्ट्रेस्ड बाय इक्वल फोर्स तो दोनों केसेस में फोर्सेस की वैल्यू क्या दी है बराबर फाइंड द रेश ऑफ द स्ट्रेस बाय देम स्ट्रेस फर्स्ट डिवाइडेड बाय स्ट्रेस ऑफ सेकेंड यह होता है फोर्स ऑफ फर्स्ट डिवाइडेड by एरिया फोर्स ऑफ second डिवाइडेड बाय एरिया आर टू स्क्वायर एफ टू और एफ वन कट गए दोनों सेम है पाई से पाई कट गया आर टू बाई आर वन का होल स्क्वायर आंसर आ गया वन इज टू फोर यंग मॉडल का कोई काम नहीं आया पहला इजी सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं सेकेंड कह रहे स्टील वायर थ्री मीटर लॉन्ग इज सब्जेक्टेड टू अ टेंसाइल लोड ऑफ फोर्टी के जी एफ एक स्टील वायर है इसकी लेंथ है थ्री मीटर सब्जेक्टेड टू अ टेंसाइल लोड ऑफ फोर्टी केजीएफ तो फोर्स जो आपने लगाया वो हो गया फोर्टी जी न्यूटन एक्सटेंड थ्रू सिक्स सेंटीमीटर इलांगेशन दे दिया सिक्स सेंटीमीटर मतलब सिक्स इंटू टेंटा माइनस टू मीटर्स ंगस मॉडल्स ऑफ स्टील इज टू इंटू टेन टू पार इलेवन यंग टू इंटू टेन टू पार इलेवन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर फाइंड स्ट्रेस स्ट्रेन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पहले बात करते हैं स्ट्रेस की स्ट्रेन आपका निकल जाएगा स्ट्रेन होता है इलोंगेशन बाय लेंथ इलोंगेशन कितना दिया है सिक्स इंटू टेन टू पर माइनस टू डिवाइडेड बाय लेंथ दिया है थ्री तो हो गया टू इंटू टेंट पार माइनस टू यह हो गया स्ट्रेन इसके कोई यूनिट नहीं होते आपको यंग्स मॉडल दिया तो स्ट्रेस कितना हो गया यंग्स मॉडल है टू इंटू टेन टू पार इलेवन और स्ट्रेन की वैल्यू टू इंटू टें टू पार माइनस टू यह आ गया फोर इंटू 10 पाराइन टें टू नाइन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यह आ गया स्ट्रेस तीसरी चीज आपको निकालनी है एरिया स्ट्रेस क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया तो एरिया कितना हो गया फोर्स अपॉन स्ट्रेस फोर्स कितना दिया है फोर्टी फोर्टी के जी वेट तो फोर्टी इंटू नाइन पॉइंट एट डिवाइडेड बाय स्ट्रेस स्ट्रेस है फोर इंटू टेंट बार नाइन सो फोर से एक अटा नाइन पॉइंट एट इंटू टेंट पार माइनस एट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर 10 माइनस -8 होगा ये माइनस -8 होगा ये हम स्प्रिंटिंग आंसर ठीक है समझ में आ गया ये क्लियर आ जाते हैं थर्ड पे जिसको जो डाउट आए बेटा उसी वक्त रोक दीजिएगा मेरे को थर्ड क्वेश्चन थर्ड कह रहा है टू वायर्स ऑफ मेड और मेड ऑफ सेम मटेरियल दो वायर्स हैं दोनों का मटेरियल सेम है सेम मेटल है मतलब दोनों का यंग्स मॉडुलस सेम होगा द लेंथ ऑफ फर्स्ट वायर इज हाफ ऑफ द सेकंड l1 आपको हाफ ऑफ l2 दिया है डायमीटर इज डबल टू दैट ऑफ सेकंड रेडियस भी डबल हो गया रेडियस हो गया डबल ऑफ सेकेंड वायर इफ इक्वल लोड्लाइड दोनों के फोर्स है रेशियो ऑफ द इंक्रीज इन लेंथ इलाशन का फॉर्मूला क्या होता है इलोंगेशन का फॉर्मूला होता है एफ एल अपॉन ए वाई याद है सो दोनों की एलोंगेशन का रेशियो कितना हो गया एरिया को पाया स्क्र लिख दू एफ एल अपॉन पाईआर स्क्वांगडल फोर्स और यंग्स सेम है, फोर्स क्वेश्चन में है सेम, है, सेम, है, तो भी सेम होगा तो दोनों की इलांगेशन का रेशियो कितना प्रोपोर्शनल है तो आर वन स्क्वायर नीचे आ गया आर टू स्क्वायर ऊपर आ गया बाकी सब कैंसिल हो गया एल वन अपॉन एल टू कितना है वन एस टू टू आर टू आर वन कितना है वन एस टू टू उसका स्क्वायर करेंगे वन टू फोर आंसर आ गया वन टू एट तो एलोंगेशन का रेशियो कितना आया वन इज टू एट क्लियर आ जाते हैं फोर्थ पे स्टार्टिंग इज़ी इजी है कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू इंक्रीज इन लेंथ ऑफ स्टील वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया टेन टू पार माइनस सिक्स मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया टेन टू पार माइनस सिक्स मीटर स्क्वायर एंड फोर्स आपको निकालनी है length आपको इंक्रीज करनी है फिफ्टी परसेंट सो डेल्टा एल बाय इंटू हंड्रेड कितना है फिफ्टी तो इससे आपके पास स्ट्रेन आ जाएगा डेल्टा एल बाय हो गया वन बाय टू डेल्टा एल बाय कितना हो गया वन बाय टू जवानों वाला मॉड्यूलस दिया है आपको फोर्स निकालना है यंग्स मॉड्यूलस गिवन है टू इंटू डेन टू पार इलेवन तो यंग्स मॉड्यूलस का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ उससे फोर्स निकाल लोगे यंग्स स क्या होता है एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल डेल्टा एल लिखो ई e लिखो ए की बात है तो फोर्स कितना हो गया modulus, L L. Modulus, 2 10 11. की वैल्यू टेन टू पार माइनस सिक्स इंक्रीज इन लेंथ आपको कितना गिवन है डेल्टा एल बा एल बाई एल कितना गिवन है हाफ सॉल्व करो टेन टू पार फाइव न्यूटन इट पहले दो समझ में आ गए थर्ड फिफ्थ पे आ जाते हैं इसमें फिफ्थ में कह रहे हैं द डायमीटर ऑफ ब्रास रॉड इज फोर मिलीमीटर तो रेडियस उसका दे दिया टू मिलीमीटर यंग्स मॉडल ऑफ ब्रास नाइन पॉइंट टू इंटू टेन टू पार्ट टेन नाइन पॉइंट टू इंटू टेन टू पार्ट टेन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये दे दिया यंग्स मॉडलस कैलकुलेट इन ऐसा यूनिट्स, द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन व्हेन इट इज स्ट्रेच बाई पॉइंट टू फाइव परसेंट ऑफ इट्स लेंथ, डेल्टा एल बाय एल इन टू हंड्रेड कितना दिया है 0.25, पॉइंट टू फाइव सो डेल्टा एल बाय एल कितना हो गया पॉइंट टू फाइव बाय हंड्रेड पॉइंट टू फाइव होता है वन बाय फोर यानी वन बाय फोर हंड्रेड यह दे दिया डेल्टा एल बाय एल की वैल्यू अब आपको निकालना क्या है कैलकुलेट इन ऐसे यूनिट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन तो पहले तो स्ट्रेन निकल गया स्ट्रेन हो गया वन बाय फोर हंड्रेड पॉइंट में कैलकुलेट हो जाएगा या जीरो पॉइंट जीरो जीरो तो डेल्टा एल बाई एल आ गया उसके बाद वट इज अ फोर्स एक्सर्टेड स्ट्रेस भी निकालना था स्ट्रेस कितना होता है स्ट्रेस होता है यंग्स मॉड्यूल्स इंटू स्ट्रेन यंग्स मॉड्यूलस नाइन पॉइंट टू इंटू टेन टू बाई टेन स्ट्रेन की वैल्यू स्ट्रेन की वैल्यू वन बाय फोर हंड्रेड ठीक है कैलकुलेशन हो जाएगा इतना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा सेकेंड पार्ट में बोला व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड फोर्स कितना होगा स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय एरिया तो जो स्ट्रेस आप कैलकुलेट करोगे नाइन पॉइंट टू इंटू टेन टू टेन डिवाइडेड बाई फोर मल्टीप्लाइड बाय एरिया एरिया हो गया पाए इंटू रेडियस का स्क्वायर कैलकुलेशन हो जाएगी समझ में आ गया सबको लॉजिक पहले पांच में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आसान क्वेश्चन से सारे किसी को कुछ जरूरत नहीं है यहां तक ऑनलाइन किसी को फर्स्ट फाइव में कुछ दोबारा पूछना हो तो बोलो आगे देखो सिक्स देखते हैं सिक्स चेक कीजिए सिक्स में आपको बोला अ यूनिफॉर्म स्टील वायर ऑफ लेंथ 2.5 मीटर एंड डेंसिटी 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब वेज 50 ग्राम एक स्टील वायर है लेंथ ढाई मीटर की डेंसिटी इतना उसका 50 ग्राम वेट है ठीक है जी एक स्टील वायर है लेंथ है 2.5 पॉइंट फाइव मीटर डेंसिटी एट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या फिर एट इंटू पर थ्री के जी पर मीटर क्यूब वेज फिफ्टी ग्राम वेज फिफ्टी ग्राम तो वेट हो गया एम मास हो गया फिफ्टी इन टू टेन माइनस थ्री ग्राम के जी वेन स्ट्रेच फोर्स ऑफ टेन के जी एफ द लेंथ इंक्रीजेस बाई टू मिलीमीटर अच्छा जरूरी नहीं है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है क्योंकि उसने बोला नहीं है तो यह ऐसे है आपने फोर्स लगाया कितना फोर्स लगाया टेन के जी एफ टेन इंटू नाइन पॉइंट एट न्यूटन ये फोर्स लगाया और डेल्टा एल यानी एक्सटेंशन आपको दिया टू मिलीमीटर mm. तो अब आपको फोर्स पता है एक्सटेंशन पता है ओरिजिनल लेंथ पता है ओरिजिनल लेंथ पता है टू मिल, टू पॉइंट फाइव मीटर आप जवाना वाला मॉड्यूल निकालने के लिए आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चाहिए होगा एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल होता है का फॉर्मूला एरिया नहीं गिवन तो पहले एरिया निकालेंगे कैसे निकालेंगे इस डाटा से एरिया निकालेंगे मास कितना होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी वॉल्यूम क्या होता है एरिया इंटू लेंथ सो एरिया कितना हो गया एम अपॉन एल रो तो यंग्स मॉडल का फॉर्मूला कितना हुआ एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल या एफ एल अपॉन एरिया की वैल्यू एम बाय एल रो एम बाय एल रो डिवाइडेड बाय ई तो एक्सप्रेशन बना एफ एल स्क्वायर रो बाय सारी वैल्यूज पता है फोर्स मालूम है 98 फोर्स मालूम है 98 लेंथ मालूम है 2.5 मीटर्स डेंसिटी आपको क्वेश्चन में गिवन है एट इंटू टेंट पर थ्री मास क्वेश्चन में गिवन है माइनस थ्री और एक्सटेंशन आपको क्वेश्चन में गिवन है कीजिए निकालिए, कर देते हैं की स्क्वायर लेंथ कितना है टू पॉइंट फाइव तो टू पॉइंट फाइव इंटू टू पॉइंट फाइव डेंसिटी डेंसिटी एट इंटू टेंट पर थ्री डिवाइडेड बाई मास 15 इंटू टेंटोपा माइनस थ्री इंटू ई एक्सटेंशन 2 मिलीमीटर टू इंटू टेंटोपर माइनस थ्री ये आपका यंग्स मॉडल कैलकुलेट हो जाएगा समझ में आ गया फर्स्ट ये वाला सिक्स सबको सिक्स सबको क्लियर है सेवेंथ पे आते हैं सेवेंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है फोर मीटर लॉन्ग एल्यूमिनियम वायर हुआ थ्री मिलीमीटर इज यूज टू सपोर्ट असि विल बी देशन इन दायरस दिया बेसिकली हुआ क्या इस तरह से आपने एक वायर को टांगा यह मास को वो सपोर्ट कर रही है मास को सपोर्ट कर रही है तो मास्क क्या करेगा उस पर फोर्स प्रोवाइड करेगा सो so, यह मास्क कितना दिया हुआ है फिफ्टी के जी तो नीचे जो फोर्स हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी फिफ्टी जी आपको यंग्स मॉडल्स निकालना है वो गया एफ एल अपॉन ए इंटू ई फोर्स कितना है फिफ्टी जी की वैल्यू नाइन पॉइंट एट लेंथ की वैल्यू फोर मीटर एरिया की वैल्यू पाईआर स्क्वायर वन पॉइंट फाइव इंटू माइनस थ्री इंटू ई की वैल्यू एक्सटेंशन कितनी दी हुई है निकालना है ई e निकालना है यंग्स मॉडल्स पता है सेवन इंटू टेन कैलकुलेट e हो जाएगा डायरेक्ट फॉर्मूला है सबको क्लियर आ जाते हैं इस पेज के आखिरी क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर एट पे एट कह रहा है अब वायर इंक्रीजेस बाय टेन टू पावर माइनस थ्री ऑफ इट्स लेंथ अब वायर इंक्रीजेस बाय टेन टू पावर माइनस थ्री ऑफ इट्स लेंथ का मतलब क्या हुआ डेल्टा एल आपको दिया है टेन टू पार माइनस थ्री टाइम्स एल मतलब डेल्टा एल आपको दे दिया टेन टू पार माइनस थ्री तो ये क्या आ गया स्ट्रेन इस लाइन से क्या निकला स्ट्रेन ठीक है व्हेन द स्ट्रेस ऑफ वन इंटू टेन टू पार करेक्शन कीजिए वन इंटू टेन टू पार टेन नई बुक में मेरे ख्याल से लिखा हुआ एक बार चेक करना ये पिछली बुक का उसका फोटो है टेन टू पावर कुछ लिख एट है तो इसमें मिसिंग है ना टेन टू तो पार एट न्यूटन तो यंग्स मॉडल दिया है टेन टू तो पार एट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज अप्लाइड टू इट व्हाट इज द यंग्स मॉडल ऑफ द मटेरियल स्ट्रेस दिया हुआ सॉरी स्ट्रेस दिया हुआ so, है सो यंग्स मॉडल्स क्या होता है स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन तो स्ट्रेस कितना है टेन टू तो पार एट स्ट्रेन कितना है टेन टू पावर माइनस थ्री सॉल्व करेंगे टेन टू पावर इलेवन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर नो प्रॉब्लम समझ में आ गया डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं नाइन्थ पे नाइन्थ रिलैक्स्ड बाइसेप्स मसल रिक्वायर्स अ फोर्स ऑफ ट्वेंटी फाइव न्यूटन आंसर नंबर नाइन डाटा साथ साथ लिखते हैं रिलैक्स्ड बाइसेप्स मसल फोर्स ऑफ ट्वेंटी फाइव न्यूटन फॉर एलॉन्गेशन ऑफ फाइव सेंटीमीटर फोर्स अगर 25 न्यूटन है तो इलोंगेशन है कितनी 5 सेंटीमीटर ठीक है एंड द सेम मसल अंडर मैक्सिमम टेंशन रिक्वायर्स 500 न्यूटन फॉर सेम अलोंगेशन जब मैक्सिमम होगा तो 500 न्यूटन चाहिए अगर इलोंगेशन कितनी है सेम 5 इंटू टेन टू पर माइनस टू मीटर्स So, ये मिनिमम वाली वैल्यू है बेसिकली ये मैक्सिमम वाली वैल्यू है रिगार्डिंग द मसल एज अ यूनिफॉर्म सिलेंडर ऑफ लेंथ 2.5 मीटर क्रॉस सेक्शनल एरिया 50 लेंथ ढाई मीटर की है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 15 इंटू टेंट माइनस फोर मीटर स्क्वायर यंग्स मॉडल निकालना है इन ईच कंडीशन तो इस कंडीशन में यंग्स मॉडलर्स कितना हो जाएगा y1 बोल दिया

मैंने कितना ढाई मीटर क्यों लिखा फिर yes, पता नहीं क्यों हो जाती है कई बार कर रहा हूं कर रहा हूं बेटा ठीक कर रहा हूं सॉरी मैंने वैल्यू गलत लिख ली लेंथ है माइनस फोर मीटर स्क्वायर सो वैल्यूज चेंज कर देते हैं फोर्स की वैल्यू कितनी है ट्वेंटी फाइव लेंथ की वैल्यू पॉइंट टू डिवाइडेड बाय एरिया फाइव इन एरिया कितना है? माइनस फोर और एक्सटेंशन दी हुई है फाइव इंटू टेंटो माइनस टू फाइव फाइव ट्वेंटी फाइव कटा आया पॉइंट टू इंटू टें नीचे कितना था माइनस सिक्स प्लस वन माइनस फाइव ऊपर जाके हुआ फाइव न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये मिनिमम वैल्यू आ गई ये मिनिमम वैल्यू आ गई और मैक्सिमम कितनी होगी यंग्स सेकंड केस में लेंथ अपॉन एक्सटेंशन सो यंग्यू पॉइंट टू एरिया की वैल्यू फिफ्टी टेंटा माइनस फोर और एक्सटेंशन फाइव इंटू टेंटा माइनस टू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है आप अगर ध्यान से देखो पच्चीस को बीस गुना करता हूं तो पांच सौ आता है पच्चीस को ट्वेंटी टाइम्स करता हूं तो यानी पहले से आंसर ट्वेंटी टाइम्स आएगा को 20 से मल्टीप्लाई करो कितना बचता है फोर आंसर आएगा फोर इन टू टें दोबारा क्यों कैलकुलेट करो थोड़ा सा दिमाग लगा ले तो काम हो जाता है ना ठीक है आगे देखो क्वेश्चन हमने किया हुआ है पीपीटी में डाला हुआ था अ कॉपर वायर एंड अ स्टील वायर ऑफ सेम डायमीटर एंड लेंथ हंड्रेड सेंटीमीटर एंड टू हंड्रेड सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड एंड टू एंड एक कॉपर वायर है और एक स्टील वायर है एक की लेंथ है हंड्रेड सेंटीमीटर एक की लेंथ है टू हंड्रेड सेंटीमीटर सेम रेडियस है आर कनेक्टेड एंड टू एंड और कंबाइंड डेल्टा एल टोटल एक्सटेंशन ई वन प्लस ई टू होगी और टोटल एक्सटेंशन दिए वन सेंटीमीटर ई वन सब कुछ सीजीएस में रहने दो ई वन एक्सटेंशन कितनी होती है एफ एल अपॉन ए वाई सो एफ एल वन अपॉन एरिया इंटू यंग्स मॉडल्स फॉर कॉपर ट्वेल्व इंटू टेन टू पार इलेवन प्लस एफ एक्सटेंशन टू हंड्रेड एरिया यंग्स मॉडल्स फॉर स्टील ट्वेंटी इंटू टेन टू पार इलेवन ठीक है सिंप्लीफाई कीजिए एफ अपॉन ए कॉमन ले लीजिए क्या बचा वन अपॉन ट्वेल्व इंटू टेन टू पर नाइन प्लस वन अपॉन टेन इंटू टेन टू पर नाइन टेन टू पर नाइन कॉमन और फाइव टू कॉमन एरिया बार ऑलरेडी था बचा वन अपॉन सिक्स प्लस वन अपॉइन फाइव एल लूंगा साठ एफ अपॉन एरिया आ गया सिक्सटी इंटू टेन टू पार नाइन अपॉन इलेवन सी जी एस यूनिट्स में तो अब आपको दोनों की एक्सटेंशन निकालनी है डेल्टा एल फॉर कॉपर कितना हुआ या एक्सटेंशन फॉर कॉपर कितना हुआ एक्सटेंशन फॉर कॉपर फर्स्ट लिया एक्सटेंशन फॉर कॉपर हुआ एफ अपॉन एरिया इंटू हंड्रेड अपॉन 12 इंटू टेन टू पार इलेवन एफ अपॉन एरिया कितना है सिक्सटी इंटू टेन टू पार नाइन अपॉन इलेवन इन हंड्रेड अपॉन टू टेन टू पार इलेवन सो टेन टू पार इलेवन पूरा पूरा खत्म हो गया बारह पंजे साठ फाइव बाई इलेवन सेंटीमीटर E2 कितना हो जाएगा टोटल में से टोटल में से फर्स्ट की एक्सटेंशन माइनस करो सिक्स बाय इलेवन सेंटीमीटर. याद है क्वेश्चन किया हुआ हमने समझ में आ गया इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को इस टाइप का क्वेश्चन मैंने तब भी बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स में इस टाइप के काफी क्वेश्चन आते हैं ठीक आ जाते हैं अगले पे इलेवेंथ पे इलेवेंथ पे तवज्जो दीजिए इलेवेंथ क्या रहा है? रबर रोप ऑफ लेंथ एट मीटर इज हंग फ्रॉम द सीलिंग ऑफ द रूम सीलिंग से आठ मीटर लंबी रबर की रोप आपने टांग दी वट इज द इंक्रीज इन द रोप ड्यू टू इट्स ओन वेट ड्यू टू इट्स ओन वेट तो क्या लगता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी कंसिडर करते हो length क्या ले फोर मीटर याद है ड्यू टू इट्स ओन वेट होता है तो आपको लेंथ करनी कंसिडर करनी पड़ती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी यंग्स मॉडल फॉर रबर दिया हुआ है फाइव इंटू टेन टू पर सिक्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड डेंसिटी दी हुई है 1.5 पर और वैल्यू दी है 10 अब आपको निकालना है इंक्रीज इन लेंथ एक्सटेंशन एक्सटेंशन हो गया एफ एल की जगह एल बाई टू अपॉन ए इंटू यंग्स मॉडल हाँ की ना लेंथ की जगह क्या यूज होगा एल बाई टू एफ एल बाई टू अपॉन एरिया इंटू यंग्स मॉड्यूल फोर्स कितना फोर्स है फोर्स होगा वेट वेट क्या होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी यही होगा वेट एम जी मास हो गया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी एल बाई टू और नीचे ए वाई तो आपके पास एक्सप्रेशन कितना बना ए से ए कट गया एल स्क्वायर रो जी बाई टू वाई अब आप वैल्यू सब्सिड्यूट कीजिए एल की वैल्यू है आठ एट का स्क्वायर डेंसिटी की वैल्यू है 1.5 पॉइंट फाइव इंटू थ्री इंटू जी की वैल्यू है टेन अपॉन टू यंग्स मॉड्यूलस कितना है फाइव इंटू टेंट सिक्स इतना सेंटीमीटर या मीटर मीटर मैंने लेंथ को एट क्यों लिया क्योंकि ऑलरेडी एल बाई टू लिख चुका हूं तो एल टोटल लेंथ है एल बाई टू फोर ऑलरेडी कर चुका हूं वो टू इसी फैक्टर की वजह से आया था ठीक है आ जाते हैं ट्वेल्थ पे वेट बेटा अपना वेट है ना तो वेट क्या होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी वॉल्यूम क्या होता है बेटा एरिया इनटू लेंथ ओके तो आ जाते हैं ट्वेल्थ जिस जिसने करे हुए प्लीज अपने डाउट्स जो जो हैं साथ साथ लिखते रहिए कोई दिक्कत आए रोकना हो मुझे प्लीज बोल दीजिएगा कोई नहीं समझ में स्टेप तो आ जाते हैं ट्वेल्थ रबर कॉर्ड ट्वेल्व मीटर्स लॉन्ग सस्पेंडेड वर्टिकली फिर से वैसा ही है एक रबर कॉर्ड है 12 मीटर लंबी इसको आपने वर्टिकली सस्पेंड की दिया सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये हो गया एल बाई टू माने 6 मीटर खैर यूज नहीं करते हम L by 2 लिख देंगे हाउ मच इट स्ट्रेच अंडर इट्स ओन वेट डेंसिटी दी हुई है और यंग सब कुछ सीजीएस यूनिट में रखो क्योंकि इसमें सब कुछ सीजीएस में दिया हुआ है तो आपको डेंसिटी दी है 1.5 ग्राम पर सीसी, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और यंग्स मॉडल्स की वैल्यू दी है 5 इंटू टेन टू पार सिक्स फाइव इंटू टेन टू पार सिक्स ग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर 5 इंटू टेन टू पार सिक्स ग्राम फोर्स को जी से मल्टीप्लाई करो 980 से तो ये हो जाएगा डाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर क्योंकि आप सीजीएस में चल रहे हो क्योंकि आप सीजीएस में चल रहे हो तो सीजीएस में स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 नहीं होगी सीजीएस में जी की वैल्यू होगी 980 तो क्योंकि आप सीजीएस में चल रहे हो तो आप ग्राम फोर्स को न्यूटन में किया में कैसे कन्वर्ट करते हो स्मॉल जी से मल्टीप्लाई करके क्योंकि आप सीजीएस में हो तो स्मॉल जी की वैल्यू क्या हो जाएगी स्मॉल जी की वैल्यू हो जाएगी 980 हंड्रेड एंड एट्टी तो यंग्स मॉडल आपको दिया है एक्सप्रेशन यही सेम एक्सप्रेशन इस क्वेश्चन में भी यूज कर लेंगे यही सेम एक्सप्रेशन इस क्वेश्चन में भी यूज करेंगे एलोंगेशन की वैल्यू हो गई एल स्क्वायर रोजी बाय टू इंटू यंग्स मॉडल तो लेंथ कितना लोगे बारह सो क्योंकि सीजीएस में चल रहे हो आप डेंसिटी की वैल्यू वन पॉइंट फाइव गधे की वैल्यू नाइन अपॉन टू यंग्स मॉडल की वैल्यू फाइव इंटू पर सिक्स

ऑनलाइन सबको ट्वेल्थ तक क्लियर बेटा बेटा मास क्या होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होती है ना मास किसी भी बॉडी का क्या होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी वॉल्यूम क्या होता है एरिया इंटू लेंथ और डेंसिटी अपनी जगह पे ये हो गया मास तो फोर्स कितना होता है बेटे वेट होता है जी से मल्टीप्लाई कर देंगे ठीक है okay, yeah. बाकी सबको भी क्लियर है बेटे कोई डाउट किसी को अवनी चित्रा दयाल दिया गुरीश नो तो डाउट गौरव मेहक पारखी रिदिका रुहिणी एकांश सिमरप्रीत चलो ठीक है जी यहां तक क्लियर आगे देखिए थर्टींथ फाइंड द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ स्टील वायर दैट कैन हैंग वर्टिकली विदाउट ब्रेकिंग ब्रेकिंग स्ट्रेस दिया हुआ है और डेंसिटी दी हुई है स्टील वायर जिसको अब मैं टांग दूं और वह टूटे ना आपको ब्रेकिंग स्ट्रेस दिया है प्लीज ध्यान दीजिएगा एल लेंथ है मान ली स्टील वायर की अपने वेट की वजह से टूटेगी तो सेंटर ऑफ मास पे एल बाई टू लेते हैं जरूरत पड़ेगी कि नहीं क्योंकि इसमें स्ट्रेस दिया हुआ है स्ट्रेस क्या होता है स्ट्रेस होता है फोर्स अपऑन एरिया फोर्स हो गया वेट वेट अपॉन एरिया हा कि ना वेट क्या होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू जी अपॉन एरिया एरिया से एरिया कट गया मानते हो यहां तक पहले बताओ बिल्कुल सेम है यहां पे स्ट्रेन स्ट्रून का कोई काम नहीं लिया मैंने क्यों क्योंकि मुझे ब्रेकिंग क्या दिया हुआ है स्ट्रेस तो एल की वैल्यू क्या आ गई एल की वैल्यू आ गई ब्रेकिंग स्ट्रेस कल एक उसमें भी आया था ये रोजी जब मैंने बोला था न्यूमेरिकल्स में करेंगे आ गया अब ज्यादा अच्छे समझ में आएगा ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या हो गया फोर्स अपॉन एरिया ब्रेकिंग फोर्स अपॉन एरिया तो ब्रेकिंग फोर्स क्या हो गई वेट वेट क्या हो गया वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ए से ए कट गया एल रोजी तो एल कितनी चाहिए आपको ब्रेकिंग स्ट्रेस अपॉन रोजी ब्रेकिंग स्ट्रेस कितनी है कितनी दी हुई है क्वेश्चन में सेवन पॉइंट नाइन इंटू टेंट नाइन सीजीएस में चलना है सेवन पॉइंट नाइन इंटू टें नाइन डेंसिटी की वैल्यू एट सीजीएस में ही है जी की वैल्यू इतना सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा बहुत बड़ी वैल्यू आएगी तो उसको मीटर में और फिर और बड़े यूनिट्स में आप कन्वर्ट कर सकते हो गॉड इट एल की जरूरत नहीं बड़ी वेट में तो पूरा ही वेल ना। में नहीं है, क्योंकि स्ट्रेस में तो वेट पूरा ही करना है अब वो पूरे वेट में तो लेंथ पूरी यूज होगी ना जब स्ट्रेन आता है जब आप एफ एल अपन ए डेल्टा एल कर रहे हो उसमें एल हो तो वो स्ट्रेन में इफेक्ट डालता है सेंटर ऑफ मास का इफेक्ट ठीक है नेक्स्ट फोर्टीन मास ऑफ फिफ्टी फाइव ग्राम इज हंग फ्रॉम अ कॉपर वायर ऑफ वन मीटर डायमीटर एंड टू मीटर लेंथ वन मिलीमीटर डायमीटर, टू मीटर लेंथ डिटाइन एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड एक्सटेंशन निकालना एक्सटेंशन क्या हो गया एफ एल अपॉन ए वाई फोर्स कितना फाइव के जी तो फाइव इंटू नाइन पॉइंट एट लेंथ कितना टू मीटर एरिया कितना पाईआर स्क्वायर पाई इंटू हाफ इंटू टेन टू पार माइनस थ्री का स्क्वायर और जवानों वाला मॉड्यूल कितना है वन पॉइंट वन इंटू टेन टू पार ट्वेल्व यूनिट चेंज करोगे कितना टेन की पावर हो जाएगा बताओ डाइन कितना होता है टेन टू पार देखो कन्वर्जन यहां कर देता हूं वन डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो गया टेन टू पावर माइनस फाइव न्यूटन और सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करूंगा तो किससे डिवाइड टेन टू पार माइनस फोर से तो ये गया यह माइनस वन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सो आपके पास ये आ गया टू इलेवन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करके सब कुछ ऐसा यूनिट्स में था तो ये आपके पास इलोंगेशन की वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करके सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है व्हाट शुड बी द मिनिमम डायमीटर ऑफ द वायर सो दैट द इलास्टिक लिमिट इज नॉट एक्सीडेड ये इलास्टिक लिमिट दी हुई है इलास्टिक लिमिट का मतलब क्या होता है ये मैक्सिमम स्ट्रेस दिया हुआ है मैक्सिमम स्ट्रेस जो वो हैंडल कर सकता है वो ये है तो मैक्सिमम स्ट्रेस स्ट्रेस क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया एरिया क्या हो गया फोर्स अपॉन स्ट्रेस फोर्स कितना दिया हुआ है फाइव के जी फाइव इंटू नाइन पॉइंट एट एम जी अपॉन स्ट्रेस मैक्सिम कितना दिया है 1.5 पॉइंट फाइव इंटू टेन टू कितना टेन टू पार कितना बोलो 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 टेन टू पार मैक्सिम स्ट्रेस इलास्टिक लिमिट कितनी दी हुई है 1.5 एट ऐसा यूनिट्स में चाचा जी कन्वर्ट करेंगे दिख तो मेरे को भी रहा था तुमसे क्यों बोलवा रहा था मैं सारा कुछ ऐसा यूनिट्स में है? उसको भी ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करोगे और एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर आप आर कैलकुलेट कर सकते हो डबल कर दोगे डायमीटर आ जाएगा आया समझ ये लिख लो ये शायद डाउट होगा आप लोगों का yes. आगे ध्यान दीजिए फिफ्टींथ टू पैरल स्टील वायर्स ए एंड बी आर फिक्स टू रिजिट सपोर्ट एट द अपर एट द अपर एंड्स एंड सब्जेक्टेड टू द सेम लोड एट द लोअर एंड ठीक है जी दो स्टील वायरस है दो स्टील वायरस है पैरल ऐसे लगाई हुई है यहां पर आपने दोनों में सेम लोड रखा है एंड सेम लोड एट द लोअर एंड द लेंथ ऑफ द वायर आर इन द रेशियो फोर इंस टू फाइव ये फर्स्ट वायर या सेकेंड वायर बोल दी एल वन अपॉन एल टू आपको दे दिया फोर इंस टू फाइव एंड द रेडिया फोर इज थ्री द इंक्रीज इन लेर ए इज वन मिलीमीटर सो फर्स्ट की एक्सटेंशन दिए वन मिलीमीटर आपको सेकेंड की एक्सटेंशन निकालनी है एक्सटेंशन का फॉर्मूला क्या होता है एक्सटेंशन का फॉर्मूला होता है एफ एल अपॉन ए इंटू यंग दोनों स्टील वायर हैं तो यंग्स मॉडल सेम होगा फोर्स क्वेश्चन में बोला दोनों में सेम लगाया तो एक्सटेंशन का रेशियो ई टू बाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तो एल टू बाई एल वन फोर्स फोर्स कट गया पाई, -पाई कट गया रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो आर वन स्क्वायर बाय आर टू स्क्वायर अब L2 टू बाई एल हो गया फाइव टू फोर आर वन आर टू फोर टू थ्री है उसका स्क्वायर फोर कट गया ये आ गया ट्वेंटी बाई नाइन सो ई टू बाई वन आ गया इतना ई वन कितना दिया वन मिलीमीटर mm, तो ई टू हो गया ट्वेंटी बाई नाइन मिलीमीटर मतलब टू पॉइंट समथिंग मिलीमीटर क्लियर समझ में आ गया आ जाते हैं 16th पे. अ कॉम्पोजिट वायर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉम्पोजिट वायर ऑफ यूनिफॉर्म डायमीटर थ्री मिलीमीटर कंसिस्टिंग ऑफ कॉपर वायर ऑफ लेंथ टू पॉइंट टू मीटर स्टील वायर ऑफ लेंथ वन पॉइंट सिक्स मीटर स्ट्रेच अंडर अ लोड ऑफ लोड बाई पॉइंट सेवन मिलीमीटर कॉम्पोजिट वायर मतलब दो वायरस का कॉम्बिनेशन एक वायर कौन सी है कॉपर और दूसरी कौन सी है स्टील एक वायर है कॉपर दूसरी वायर आपके पास है स्टील ये कॉम्पोजिट कंबाइंड वायर है आपने क्या किया लोड लगा दिया तो लोड इसको नीचे खींचेगा डायमीटर है थ्री मिलीमीटर mm, तो रेडियस हो गया वन पॉइंट फाइव मिलीमीटर इतना मीटर कॉपर वायर की लेंथ है टू पॉइंट टू मीटर्स स्टील वायर की लेंथ है वन पॉइंट सिक्स मीटर्स कैलकुलेट द लोड गिवन दैट जवानों वाला मॉड्यूल दोनों का दिया हुआ है लोड निकालना है तो फोर्स निकालना है सो टोटल एक्सटेंशन दोनों की का सम टोटल एक्सटेंशन कितनी है मिलीमीटर इंटू टेन टू पर माइनस थ्री फर्स्ट वाले की एक्सटेंशन हो गई F नहीं पता लेंथ कॉपर की टू पॉइंट टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई पाईआर स्क्वायर बाद में डाल देंगे वैल्यू आर गिवन है यंग्स मॉडल कॉपर का वन पॉइंट वन इंटू पर इलेवन सब ए सही में ही है ना प्लस सेकेंड वाले का एक्सटेंशन कितना होगा एफ लेंथ कितना सेकेंड वाले की वन पॉइंट सिक्स अपॉन एरिया पाय स्क्वायर और इसका जवाना वाला मॉड्यूलस कितना है टू इंटू टेंट पर इलेवन ठीक है कॉमन लीजिए जितना ले सकते हैं फोर्स कॉमन आ गया ये 1.1 और 2.2 पॉइंट के 2 टू आ गया टू से पॉइंट सिक्स कर, करके पॉइंट एट आ गया सो एफ कॉमन पाईआर कॉमन टेन टू पार इलेवन कॉमन बचा टू प्लस पॉइंट एट ये आ गया पॉइंट सेवन इंटू टेन टूपर माइनस थ्री तो फोर्स की वैल्यू कितनी आई पॉइंट सेवन इंटू टेन टूपा माइनस थ्री इंटू पाईआर स्क्वायर रेडियस कितना 1.5 पॉइंट फाइव इंटू माइनस थ्री इसका स्क्वायर इंटू टेन टू पार इलेवन डिवाइडेड बाय 2.8 पॉइंट एट सात चौके ये चार हो गया छोटा सा कैलकुलेशन है कर लोगे समझ में आ गया सबको क्लियर यहां तक क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं आगे आ जाते हैं सेवनटींथ पे थ कह रहा है अ प्लेटफॉर्म इज सस्पेंडेड बाय फोर वायर्स एट इट्स कॉर्नर्स ये एक प्लेटफॉर्म है इसको चार तारों में टांगा हुआ है ये फोर वायर्स से इसको मैंने हैंग किया हुआ है ठीक है ना चार तारों ने टांगा हुआ इसको द वायर्स आर थ्री मीटर लॉन्ग एंड हैव डायमीटर ऑफ टू मिलीमीटर वायर थ्री मीटर लॉन्ग है थ्री मीटर और रेडियस कितना है हर वायर का वन मिलीमीटर ठीक है यंग्स मॉडल दिया वन पॉइंट एट इंटू टेन टू पर इलेवन हाउ फार विल द प्लेटफॉर्म ड्रॉप इलोंगेशन निकालनी है इफ फिफ्टी के जी लोड इज प्लेस्ड पचास किलो का लोड लगा दिया तो पचास किलो का लोड कितनी वायर्स के लिए चारों वायर्स को सपोर्ट करना है तो एक वायर को कितना सपोर्ट करना होगा साढ़े बारह किलो तो फोर्स ऑन ईच वायर वो कितना होगा फिफ्टी जी डिवाइडेड बाय फोर न्यूटन हां की ना डिवाइडेड बाय फोर क्यों किया क्योंकि चार वायर्स हैं एक वायर टोटल पचास किलो है चारों वायर ने सपोर्ट दिया हुआ है सो तो एक वायर कितना सपोर्ट का इफेक्ट देगी फिफ्टी बाई फोर तो साढ़े बारह किलो का एक वायर का इफेक्ट आएगा इन टू जी किया मेरे पास कितना आ गया न्यूटन में सो तो हर वायर पे इतनी फोर्स लगेगी आपको इलांगेशन निकालना है वो हो जाएगा एफ एल अपॉन ए वाई फोर्स की वैल्यू फिफ्टी इंटू नाइन पॉइंट एट फोर लेंथ की वैल्यू थ्री मीटर्स एरिया की वैल्यू स्क्वायर और जवानों वाला मॉड्यूल पॉइंट एट इंटू टेंट पर इलेवन कैलकुलेशन हो जाएगी कोई कुछ कह रहा था बेटा बोलिए तो नहीं।, नहीं।, नहीं बिल्कुल भी नहीं आएगा तू मेरे को बता एक वायर की इलांगेशन इंटू फोर करेगा चारों की टोटल इलांगेशन आ गई तो प्लेटफॉर्म उतना नीचे गिरेगा एक वायर का इफेक्ट पचास किलो का जो टोटल इफेक्ट है वो हर वायर पे डिस्ट्रीब्यूट होगा कि नहीं होगा यस yes, सर ठीक है इसीलिए चार किया या तो लेंथ को फोर टाइम्स कर दो बात वही आएगी ना यस सर ठीक है आगे नहीं लेंथ को नहीं एरिया को एरिया को लेंथ को नहीं एरिया को एरिया को चार गुना करो ठीक है आगे देखो यहां तक सबको क्लियर है बेटा ऑनलाइन सबको क्लियर है वंदना यहां तक क्लियर है बेटा शिवम श्रेया शिवनाथ ऋदिका yes, सबको क्लियर है बेटा आ जाए yes, है अ सैंपल ऑफ बोन इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज लोडेड ऑन इट्स अपर एंड बाय अ मास ऑफ 10 के ठीक है जी एक बोन है लेग पीस कितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का 1.5 पॉइंट फाइव इंटू टेंट माइनस फोर मीटर स्क्वायर इज लोडेड ऑन इट्स अपर एंड बाय मास ऑफ़ 10 किलो इसके ऊपर एक 10 के का मास रख दिया फोर्स लगाएगा बाय केयरफुल मेजरमेंट्स विद ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप जैसे मर्जी किया हो द लेंथ ऑफ द सिलेंड्रिकल सैंपल इज ऑब्जर्व टू डिक्रीज बाय जीरो पॉइंट जीरो जीरो फाइव परसेंट सो डेल्टा एल बाय एल इंटू हंड्रेड आपको दिया है जीरो पॉइंट जीरो जीरो सिक्स फाइव सो डेल्टा एल बाय एल कितना हुआ सिक्स पॉइंट फाइव इंटू टेन टू द पार माइनस फाइव ये हो गया स्ट्रेन कैलकुलेट द यंग्स मॉड्यूल फॉर द स्पेसिमिन यंग्स मॉड्यस कितना हो गया एफ अपॉन एरिया इंटू स्ट्रेन फोर्स कितना टेन इंटू नाइन पॉइंट एट एरिया वन पॉइंट फाइव इंटू टेन टू माइनस फोर और स्ट्रेन सिक्स पॉइंट फाइव इंटू टेन पर माइनस फाइव ये हो गया यंग हो जाएगा कैलकुलेशन समझ में आ गया सबको अठारह तक आ जाते हैं उन्नीस पे नाइनटीन इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था दिक्कत आती है एक दो तो एक्स्ट्रा फॉर्मूलाज यूज होते हैं कौन कौन से एक बार दोबारा बता देता हूं एक हम यूज करते हैं एटमोसफियर का वन एटमोस्फियर प्रेशर ये होता है 1.013 10 पास्कल्स दूसरा प्रेशर बाय लिक्विड उसका फॉर्मूला होता है एच रोजी अगर एच हाइट तक का लिक्विड है तो वो बेस पे कितना प्रेशर लगाएगा एच रोजी नाइनटीन पे आओ अस्फियर कॉन्ट्रैक्ट्स इन वॉल्यूम बाय 0.01 परसेंट तो डेल्टा वी बाय वी इन टू हंड्रेड परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम आपको दिया है जीरो पॉइंट जीरो वन सो डेल्टा वी बाय वी आपके पास आ गया टेन टू पार माइनस फोर यह क्या आ गया आपके पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन यहां तक बात क्लियर ये आपके पास आ गया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आगे क्या बोला वेन टेकन टू द बॉटम ऑफ द सी वन किलोमीटर डीप सी में एक किलोमीटर सी में एक किलोमीटर गहराई में ले गए तो हमने कितना प्रेशर में चेंज किया वो होता है एच रो जी एच कितना टू पर थ्री पानी की डेंसिटी कितनी दी हुई ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तो टेंट पर थ्री के जी पर मीटर क्यूब गधे की वैल्यू नाइन एट्टी सेंटीमीटर दी है मैं मीटर्स में ले लिया नाइन पॉइंट एट ठीक है हमें थोड़ी ना पता है किसमें आंसर निकालना है या तो उसने बोला होता कि बल्क मॉडल निकालो आप उसने यूनिट्स में मैं जिस मर्जी में निकालू मेरी मर्जी इतनी बात समझ में आ गई डेल्टा पी अब बल्क मॉडल का क्या फॉर्मूला होता है डेल्टा वी पी अपॉन डेल्टा वी बाई वी डेल्टा पी कितना डिवाइडेड डेल्टा माइनस फोर रिजल्ट आ गया नाइन पॉइंट एट इंटू टेन टू पार टेन न्यूटन पर मीटर स्क्वाइन पॉइंट एट इंटू टेन टू पार इलेवन डाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है समझ में आ गया ये था नंबर नाइनटीन आ जाते हैं ट्वेंटी पे ट्वेंटी क्या कह रहा है वन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वॉटर इज टेकन फ्रॉम द सर्फेस टू द बॉटम ऑफ द लेक टू हंड्रेड मीटर डीप सिमिलर क्वेश्चन वॉल्यूम दे दिया वन सेंटीमीटर क्यूब यानी टेंट पर माइनस सिक्स मीटर क्यूब 200 मीटर डीप ले गए तो प्रेशर कितना लगाया एच रो जी एच कितना 200 डेंसिटी दी हुई है वाटर ये करेक्शन है 10 टू तो पर थ्री ग्राम पर मीटर क्यूब के पर मीटर क्यूब इंटू जी की वैल्यू 9.8 तो ये आ गया 19.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेंट पर फाइव पास्कल्स ये प्रेशर आ गया एटमोस्फेरिक प्रेशर टेन टू पार फाइव होगा टेन टू पार फाइव न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है ठीक है। दिया है, दिया टू पॉइंट टू इंटू टेन टू पार नाइन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्योंकि ठीक अब आपको निकालना क्या है चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी सो बल्क मॉडल का फॉर्मूला बल्क मॉडल का फॉर्मूला डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी बाई वी तो वी की वैल्यू कितनी है डेल्टा वी की वैल्यू कितनी आ गई डेल्टा पी इंटू वॉल्यूम बाय बल्क बॉडल प्रेशर कितना आया 19.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेंट वॉल्यूम की वैल्यू टेंट बार माइनस सिक्स और बल्क मॉडल टू पॉइंट टू इंटू टें नाइन कैलकुलेशन हो जाएगी ठीक है किया हुआ इस टाइप का क्वेश्चन ये था नंबर ट्वेंटी आ जाते हैं ट्वेंटी वन पे ट्वेंटी वन क्या कह रहा है डिटरमाइन द फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम डिटरमाइन द फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी बाय वी निकालना है फ्रैक्शनल चेंज परसेंटेज चेंज निकालना होता है परसेंटेज चेंज निकालना होता है तो क्या करते हो आप फ्रैक्शनल चेंज को किससे मल्टीप्लाई करते हो हंड्रेड से डेल्टा पी बाय पी इन टू हंड्रेड यह क्या हो जाएगा परसेंटेज चेंज इन प्रेशर डेल्टा वी बाई वी इंटू हंड्रेड यह हो जाएगा परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम मानते हो यहां तक आपको क्या निकालना है आपको निकालना है परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम अ फ्रैक्शनल चेंज तो सिर्फ डेल्टा बी बाई वी निकालना है सो डिटरमाइन द फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम एज द प्रेशर ऑफ द एटमोसफेयर अराउंड द मेटल ब्लॉक is रिड्यूस टू जीरो बाय प्लेसिंग द ब्लॉक इन वॉल्यूम अब पहले प्रेशर ज्यादा है बाद में प्रेशर कम हो गया तो वॉल्यूम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा पहले एटमोस्फेयरिक प्रेशर है तो वॉल्यूम उसमें दबाव है अब आपने वो वैक्यूम बना दिया तो जो एटमॉस्फ़ेरिक प्रेशर था वो रिमूव कर दिया तो अब वॉल्यूम क्या होगा बढ़ जाएगा इसी जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या हुआ था हवा में था और मैं उसे पानी में लेके गया तो प्रेशर बढ़ा दिया था तो वॉल्यूम क्या होना था घटना था अब आपने प्रेशर को रिलीज कर दिया तो वॉल्यूम क्या होगा इंक्रीज होगा तो आपको बोला प्रेशर ऑफ द एटमोसफियर अराउंड द मेटल ब्लॉक इज रिड्यूस टू जीरो मतलब चेंज इन प्रेशर कितना हुआ पहले था टेन टू पार फाइव बाद में हो गया जीरो तो चेंज इन प्रेशर हो गया टेन टू पार फाइव और बल्क मॉडल दिया है 1.25 इलेवन बल्क मॉडल्स की वैल्यून पॉइंट टू फाइव इंटू टेन टू पार इलेवन पास्कल्स आ, लगा सकते हो वो के में भी माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी बाई वी होता है ना तो मैं मॉडल ले रहा हूं ठीक है ना वैल्यू वैल्यू निकल जाएगी सो so, आपको निकालना क्या डेल्टा वी 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 सो सो बल्क होता है डेल्टा 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 अपॉन कितना हुआ डेल्टा पी अपॉन बल्क मॉडल डेल्टा पी कितना है टेन टू पार फाइव बल्क मॉडल की वैल्यू वन पॉइंट टू फाइव इंटू टेन टू पार इलेवन हो जाएगा कैलकुलेशन ट्वेंटी टू देखते हैं ट्वेंटी टू क्या कह रहा है कंप्रेसिबिलिटी ऑफ वॉटर इज इतना कंप्रेसिबिलिटी दिया हुआ है मतलब बल्क मॉडल्स कितना हो गया बल्क मॉडल होता है वन अपॉन कंप्रेसिबिलिटी डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ 100 हंड्रेड सेंटीमीटर क्यूब डेल्टा वी निकालना है वॉल्यूम दिया है हंड्रेड सेंटीमीटर क्यूब हंड्रेड इंटू टेन टू पार माइनस सिक्स मीटर क्यूब वेन सब्जेक्टेड टू प्रेशर ऑफ फिफ्टीन मेगा डेल्टा पी कितना दे दिया फिफ्टीन इंटू टेन टू पार सिक्स पास वी आपको डेल्टा वी निकालना है तो रिलेशन क्या होता है बल्क मॉडल्स का डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी बाय वी तो डेल्टा वी कितना हुआ डेल्टा वी हुआ डेल्टा पी इंटू वी अपॉन बल्क मॉडल वैल्यूज डालिए डेल्टा पी कितना है फिफ्टीन इंटू टू पर सिक्स वॉल्यूम हंड्रेड इंटू टू पर माइनस सिक्स मतलब टू पर माइनस फोर अपॉन बल्क मॉडलिस वन अपॉन फाइव इंटू पर माइनस टेन हो जाएगा फुद दूसरा कैलकुलेशन ठीक है जी ये था नंबर ट्वेंटी टू आ जाते हैं ट्वेंटी थर्ड ट्वेंटी थर्ड बस वो एक आध फॉर्मूला एच रो जी वगैरह कई बार यूज होगा अदरवाइज डायरेक्ट क्वेश्चन ट्वेंटी थर्ड फाइंड द चेंज इन वॉल्यूम विच वन मीटर क्यूब ऑफ वॉटर विल अंडर गो डेल्टा वी निकालना है वॉल्यूम वन मीटर क्यूब बोला अंडर गो वेन टेकन फ्रॉम द सर्फेस टू द बॉटम ऑफ द लेक हंड्रेड मीटर डीप डेल्टा पी कितना हो जाएगा एच रो जी हाइट कितना हंड्रेड डेंसिटी 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 नहीं गिवन पानी ले लो गधे की वैल्यू नाइन पॉइंट एट आगे क्या बोला गिवन वॉल्यूम इलास्टिसिटी वॉल्यूम इलास्टिसिटी का मतलब क्या हुआ बल्क मॉडल बल्क मॉडल की वैल्यू ट्वेंटी टू थाउजेंड एटमोस्फियर एटमोस्फियर को टेंट पार फाइव ले लेते हैं ट्वेंटी टू थाउजेंड इंटू टें टू पार फाइव पार्सिकल्स सो टू पॉइंट टूट इंटू टेंट दोपहर पांच छह सात आठ नौ नाइन पास आपको क्या निकालना है डेल्टा वी सो बल्क मॉडल्स की वैल्यू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी बाई वी तो वॉल्यूम डेल्टा वी कितना हुआ डेल्टा पी इंटू वॉल्यूम बाय बल्क मॉडल्स वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो जाएगी जैसे पहले कर रहे थे ट्वेंटी फोर्थ स्पेरिकल बॉल कॉन्ट्रैक्ट इन वॉल्यूम बाइरो पॉइंट क्या दे दिया कॉन्ट्रैक्ट इन वॉल्यूम परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम दिया कितना सो डेल्टा वी बाय वी आपके पास हो गया जीरो पॉइंट जीरो जीरो नाइन एट इंटू टेंट माइनस टू मतलब नाइन पॉइंट एट इन टू टेंट दाइनस फाइव ठीक है इसका कोई यूनिट नहीं होगा

आया समझ नेक्स्ट ट्वेंटी फिफ्थ अ सिक्सटी के जी मोटर सिट्स ऑन फोर सिलेंडरकल रबर ब्लॉक्स ईच सिलेंडर हैज अ हाइट ऑफ थ्री सेंटीमीटर एंड अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ फिफ्टीन सेंटीमीटर स्क्वायर ये ऐसे वो रबर पैड्स हैं एक रब चार रबर पैड टोटल हैं साठ किलो की मोटर है तो एक रबर पैड पे कितना इफेक्ट आएगा पंद्रह किलो का चार रबर पैड्स हैं, सिक्सटी के की मोटर है तो इफेक्ट फोर्स ऑन वन रबर पैड वो हो जाएगा सिक्सटी बाय फोर पंद्रह जी न्यूटन आपको इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है फिफ्टीन इंटू टेंट माइनस फोर मीटर स्क्वायर आपको इसकी हाइट यानी लेंथ दी हुई है थ्री सेंटीमीटर थ्री इंटू टेन टू पार माइनस टू मीटर शेयर मॉड्यूल ऑफ दिस रबर इज टू इंटू टेन टू पर सिक्स शेयर मॉड्यूलस क्या होता है हाँ जी शेयर मॉड्यूलस क्या होता है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी ईटा दिया हुआ है अब क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ लट रहा है ईटा दिया हुआ है कितना टू इंटू टेन टू पर सिक्स टू इंटू टें टू पर सिक्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इफ अ साइडवेज फोर्स ऑफ 300 हंड्रेड न्यूटन इज अप्लाइड टू द मोटर हाउ फार विल इट मूव साइडवेज आपने इधर फोर्स लगाई है कितनी फोर्स लगाई है 300 सौ न्यूटन ये फोर्स ऑन वन रबर पैड नहीं होगा ये उसका वजन हो जाएगा जो इसने सपोर्ट किया हुआ है टोटल ये वाली फोर्स नहीं साइडवेज फोर्स कितनी है साइडवेज फोर्स आपको दे दिया 300 न्यूटन की ठीक है अब आप क्या यूज करोगे ये बताओ मेरे को पहले ध्यान से सोचो अब इसमें इस्तेमाल क्या करोगे कौन सा एरिया लोगे क्योंकि यहां पे अब आप आपको मॉडल ऑफ रिजिडिटी दे दिया मॉडल ऑफ रिजिडिटी दे दिया आपको वो एक्स निकालना है साइडवेज मूवमेंट क्या होती है एक्स होती है कि नहीं होती वो एक्स निकालना है क्या करोगे ईटा क्या होता है थ्री हंड्रेड लेंगे बिल्कुल थ्री हंड्रेड वाली लेंगे तो, थ्री एरिया, एरिया कौन सा एरिया तो कौन, तो कौन सा अच्छा और करिए सब लोग सॉल्व कीजिए इसको दो तीन मिनट है आपके पास सॉल्व कीजिए इसको कोशिश कीजिए ध्यान दो कोई बात नहीं ध्यान से सोचो यार साइडवेज टोटल फोर्स कितनी लगा रहे हो तीन सौ तो एक पे इफेक्ट कितना आएगा चार रबर ब्लॉक्स है ना तो एक पे इफेक्ट कितना आएगा थ्री हंड्रेड फोर अब ये इसका बल्क मॉडल क्या होता है एफ अपॉन ए इंटू थीटा क्या होता है एक्स अपॉन एल याद है तो एक्स कितना हो गया एफ एल अपॉन एटा अब फोर्स कितनी लगा रहे हो आप 300 तो 300 सौ डिवाइडेड बाई लेंथ कितना इसकी हाइट इसकी हाइट कितनी है थ्री इंटू टेंट माइनस फोर माइनस टू अपॉन एरिया एरिया कितना दिया हुआ है फिफ्टीन इंटू टेंट माइनस फोर और मॉडल की वैल्यू है का टू इंटू टेंट सिक्स करो सॉल्व करो सॉल्व कितना है ये तीन पांच दिया पंद्रह पांच छ साठ ये हो गया पंद्रह चौके साठ पंद्रह साढ़े सात थ्री सेवन पॉइंट फाइव इन टू टेंट ऊपर कितना आया माइनस टू नीचे कितना है टेन टू पार कितना था नीचे सिक्स था प्लस सिक्स था प्लस सिक्स था नीचे टेंट पार टू ऊपर जाके हुआ टेंट माइनस फोर टेंट माइनस फोर

इसका साठ किलो का कोई काम नहीं है अगर इसने दबाव होता ये कितना कंप्रेस हो गया बोला होता तब सिक्सटी के जी वाला फोर्स यूज करते तब जवानों वाला लगता। ठीक है इसमें क्या है आपने हॉर्जोंटल फोर्स लगा के उसे टेढ़ा किया तो कौन सा फोर्स लगेगा मॉडल ऑफ रिजिडिटी वाला कंसेप्ट लगेगा आ जाते हैं नेक्स्ट पे ये था 25, 26 नंबर बॉक्स शेप पीस ऑफ जेलेटिन डेजर्ट क्यूबॉइडल शेप हैज अ टॉप एरिया फिफ्टीन सेंटीमीटर स्क्वायर हाइट थ्री सेंटीमीटर्स वेन अ शेयरिंग फोर्स ऑफ पॉइंट फाइव न्यूटन इज अप्लाइड फोर्स आपने लगाया पॉइंट फाइव न्यूटन

स्ट्रेन ये हो गया लेंथ एक्स कितना फोर इंटू डेंटोबा माइनस थ्री लेंथ कितना थ्री इंटू डेंटोबा माइनस टू यह हो जाएगा आपका स्ट्रेन और ईटा की वैल्यू क्या हो जाएगी स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन कैलकुलेशन हो जाएंगी वैल्यू डाल के समझ में आ गया सबको नो प्रॉब्लम इसमें आ जाते हैं ट्वेंटी सेवेंथ में टू पैरल एंड ऑपोजिट फोर्सेस इच ऑफ फोर थाउजेंड न्यूटन आर अप्लाइडें अपर एंड द लोअर सर्फेस ऑफ अलटल ब्लॉक से फोर्स लगा रहे हो आप चार हजार न्यूटन इधर से फोर्स लगा रहे हो चार हजार न्यूटन अपर एंड लोअर सर्फेस ऑफ अल ब्लॉक सेंटीमीटर ऑन साइड पच्चीस सेंटीमीटर साइड है फाइंड द एंगल ऑफ शेयर एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द अपर सरफेस रिलेटिव टू द लोअर शेयर सर्फेसर ईटा दिया हुआ है एंगल ऑफ शेयर थीटा निकालने एरिया कितना हो जाएगा एरिया हो जाएगा ट्वेंटी फाइव इंटू टेन टोपा माइनस टू का होल स्क्वायर क्यूब था ना तो एरिया कितना हो जाएगा ट्वेंटी फाइव इंटू टेन टोपा माइनस टू का होल स्क्वायेर आपके पास स्ट्रेस कितना हो गया स्ट्रेस हो गया फोर्स अपॉन एरिया इसका स्क्वायर ठीक है जी यहां तक कोई दिक्कत किसी को निकालना क्या था एंगल ऑफ शेयर और थीटा थीटा दिया हुआ है एंगल निकालना है थीटा हो गया एक्स अपॉन मतलब पहले स्ट्रेन निकालते हैं स्ट्रेन निकालने के लिए हमें वो पता है ठीक है स्ट्रेस आ गया स्ट्रेस आया फोर थाउजेंड अपॉन ट्वेंटी फाइव इंटू ट्वेंटी फाइव ऊपर जाके हुआ टेन टू पार फोर पच्चीस पारोल वन सिक्सटी पच्चीस वन सिक्सटी बाई ट्वेंटी फाइव भी कर देता हूं बाद में फ्रैक्शन को बाद में कन्वर्ट करेंगे आ, ये कितना आया फाइव से काटता हूं तो थर्टी टू

0.8 एट इंटू टेन टू माइनस सिक्स ये हो गया ये हो गया कितना स्ट्रेन मतलब एट इंटू टेन टू पार माइनस सेवन रेडियंस इसमें स्ट्रेन रेडियंस में होता है ना थीटा होता है ना स्ट्रेन इसमें इसमें स्ट्रेन क्या होता है एंगल थीटा पता लग गया स्ट्रेन पता है थीटा इज इक्वल एक्स अपॉन लेंथ तो एक्स कितना हुआ थीटा लेंथ तो एट इंटू टेन कितना सेंटीमीटर था ट्वेंटी फाइव वन बाई फोर मीटर तो टू इंटू टेन टू पार माइनस सेवन मीटर ये हो गया उसका एक्स स्ट्रेचिंग गॉट इट समझ में आया बेटे सबको ये था नंबर ट्वेंटी सेवन आ जाते हैं ट्वेंटी एट पे ट्वेंटी एट क्या मेटेलिक क्यूब हुई साइड मेटेलिक क्यूब हुईच साइड इज टेन सेंटीमीटर इज सब्जेक्टेड टू अरिंग फोर्स Of 10 kg एक cube है. हर साइड टेन सेंटीमीटर की आपने फोर्स लगाया टेन के जी वेट द टॉप फेस इज डिस्प्लेस फाइव सेंटीमीटर तो जो एक्स था वो डिस्प्लेसमेंट होती है वो मैं दे दिया जीरो पॉइंट टू फाइव सेंटीमीटर मतलब ट्वेंटी फाइव इंटू टेन रूप माइनस फोर मीटर यह डिस्प्लेसमेंट हो गई विद रिस्पेक्ट टू बॉटम कैलकुलेट द शरिंग स्ट्रेस ट्रेन एंड शेयर मॉड्यूल एक्स पता है स्ट्रेन कितना हो गया स्ट्रेन हो गया अपॉन लेंथ 25 फाइव इंटू टेन ट माइनस फोर डिवाइडेड बाय लेंथ है टेन सेंटीमीटर टेन इंटू टेन टपा माइनस टू सॉल्व करोगे ट्वेंटी फाइव इंटू टेंट माइनस थ्री रेडियंस ये हो जाएगा आपके पास ये हो जाएगा आपके पास स्ट्रेन इसके बाद स्ट्रेस स्ट्रेस क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया फोर्स कितना टेन इंटू नाइन पॉइंट एट टेन जी अपॉन एरिया टेन सेंटीमीटर की साइड है टेन इंटू टेन माइनस टू का होल स्क्वायर कितना आएगा नाइन पॉइंट एट या नाइनटी एट इंटू टेन दोपहर माइनस टू नहीं प्लस टू माइनस टू नीचे था इतना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये आ गया आपके पास स्ट्रेस सो मॉडुलस ऑफ रिजिलिटी कितना आया स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन So, 98 10 to 2 by 25 10 to आपको कल तक सारे करने है अपने हाथ से तब फायदा है मेरे कराने का आपने होमवर्क किया तो बहुत अच्छी बात है तो जो जो आपके डाउट है वो आप रिपीट कीजिए अगर आपने होमवर्क नहीं किया है तो कृपा करके अगली क्लास तक करिए आगे देखिए खत्म करते हैं तीन चार क्वेश्चन बचे हैं सिर्फ ट्वेंटी नाइन हाँ जी बेटा बोलिए बोलिए बेटा ट्वेंटी नाइन्थ डिटमाइन दिल रेश मटीरियल ऑफ द वायर हुज वॉल्यूम कांस्टेंट अंडर द एक्सटर्नल नॉर्मल स्ट्रेस कल कराए थे मैंने एक वायर इसका रेडियस आर इसकी हाइट एल रेडियस आर हाइट एल वॉल्यूम कांस्टेंट है वॉल्यूम कितना होता है पाईआर स्क्वायर एच क्या करेंगे इसमें क्या करेंगे पहले लॉग लेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। लॉग वी की वैल्यू कितनी हुई लॉग पाई प्लस टू लॉग आर प्लस लॉग एल करें डिफ्रेंशिएट लॉग बी का जीरो लॉग पाई का जीरो टू वन बाय आर डी आर बाय डीएल लॉग एल का वन बाय एल रीअरेंज करो टू बाय आर डी आर बाई डी एल इज माइनस वन बाय एल सो टू बाय आर डी आर इज माइनस डीएल बाय एल क्या फॉर्मूला आया डी आर बाई आर डिवाइडेड बाई डी एल बाई एल नेगेटिव का ये हो गया वन बाई टू तो सिग्मा की वैल्यू आ गई वन बाई टू ठीक है याद आ गया ये हमने किया था लास्ट क्लास में और देखो क्वेश्चन नंबर थर्टी थर्टी कह रहा है वन एंड ऑफ अ नायलॉन रोप ऑफ लेंथ फोर पॉइंट फाइव मीटर्स न एंड ऑफ अ लाइन नाइलॉन रोप ऑफ लेंथ फोर पॉइंट फाइव मीटर्स एंड डायमी सिक्स मिलीमीटर इज फिक्स टू अ फ्री लिम्ब ठीक है जी एक एंड को आपने फिक्स कर दिया और इसका लेंथ है फोर पॉइंट फाइव मीटर्स और रेड रेडियस भी गिवन है ठीक है रेडियस भी गिवेन है और आपको यह भी गिवन है यहां तक बात समझ में आती है ये दो चीजें आपको गिवन है रेडियस गिवन है थ्री इंटू टेन टू पा माइनस थ्री मीटर्स रेडियस गिवन है थ्री इंटू टेन टू पा माइनस थ्री मीटर्स और लेंथ दिया हुआ है मीटर्स इज टू अ फ्री इंड अ मॉन्की वेग हंड्रेड न्यूटन जम्पस टू कैच द फ्री एंड एंड स्टेज देयर एक बंदर है वो कूदा सो न्यूटन का और उसने रस्सी को पकड़ लिया फाइंड द इलांगशन ऑफ द रोप एंड द कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन डायमीटर तो पहले तो एलोंगेशन निकालते हैं आपने फोर्स कितना लगाया हंड्रेड न्यूटन फोर्स लगा हंड्रेड न्यूटन ये फोर्स निकालने के बाद एलोंगेशन uh, निकालना है यंग्स मॉडल आपको पता है यंग्स मॉडल कितना दिया हुआ है फोर पॉइंट एट इंटू टेन टू इलेवन एलोंगेशन कितना हो गया एफ एल अपॉन ए वाई फोर्स कितना हंड्रेड लेंथ कितना फोर पॉइंट फाइव एरिया कितना पायर स्क्वायर और यंग्स बॉन्डल फोर पॉइंट एट इंटू टेन टू पार इलेवन इतना मीटर ये आ गई आपके पास इलोंगेशन यहां तक बात क्लियर एलोंगेशन निकालने के बाद आपको क्या निकालना है एलोंगेशन निकालने के बाद निकालना है चेंज इन डायमीटर चेंज इन डायमीटर जहरीली रेशो से निकालोगे माइनस डेल्टा डी बाई डी डिवाइडेड बाई डेल्टा एल बाई एल सो डेल्टा डी बाई डी कितना आया सिग्मा डेल्टा एल बाय एल सो डेल्टा डी नेगेटिव का डिक्रीज हो रहा है इसीलिए सिग्मा डेल्टा एल बाय एल इंटू ओरिजिनल डायमीटर सिग्मा की वैल्यू क्वेश्चन में दी है पॉइंट टू डेल्टा एल मतलब इलांगेशन आप निकालोगे तो यहां सब्स्टिट्यूट होगा लेंथ की वैल्यू 4.5 पॉइंट मीटर्स डायमीटर आपको दिया हुआ है डायमीटर दिया है 6 मिलीमीटर कैलकुलेशन होके डेल्टा डी निकल जाएगा ऑनलाइन सबको क्लियर आप सबको समझ में आ गए यहां तक yes, पक्का आगे देखो ये था नंबर थर्टी अब बचे हुए तीन क्वेश्चंस और थर्टी वन थर्टी वन क्या कह रहे हैं अ स्टील वायर ऑफ फोर मीटर इज स्ट्रेच थ्रू टू मिलीमीटर एक स्टील वायर है एक स्टील वायर है उसकी लेंथ है फोर मीटर इज स्ट्रेच्ड थ्रू टू मिलीमीटर सो डेल्टा एल आपको दिया है टू इंटू टेन पावर माइनस थ्री मीटर्स क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर इज टू मिलीमीटर स्क्वायर टू इंटू टेन टू पावर माइनस सिक्स मीटर स्क्वायर मिलीमीटर कितना होता है टेन टू पावर माइनस थ्री उसका स्क्वायर करोगे माइनस सिक्स इफ यंग टू इंटू टेन टू पावर इलेवन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर फाइंड एनर्जी डेंसिटी ऑफ द वायर एनर्जी डेंसिटी कितना होता है एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन और भी थे हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन के अलावा और कौन सा था हाफ स्ट्रेस को यंग्स यंग्स स्ट्रेन स्ट्रेन लिखते हो young's into strain का स्क्वायर हो जाता है या फिर हाफ स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन यंग्स स्मॉन्टलेस हो जाता है आपकी चॉइस सो स्ट्रेस का स्क्वायर स्ट्रेस के लिए आपको वाई अपॉन एरिया चाहिए डेल्टा एल बाय एल बी चाहिए तो सीधा लगा दो पहले स्ट्रेस लगा दो स्ट्रेस कितना हो गया फोर्स अपॉन एरिया फोर्स नहीं गिवन ना नंबर कौन सा था वन फोर्स गिवन नहीं है ठीक है तो यंग्स मॉडल की टर्म्स में और स्ट्रेन की टर्म्स में एनर्जी डेंसिटी हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन स्ट्रेस होता है यंग्स मॉडल तो कितना टू इंटू टेन टू इनटू इलेवन स्ट्रेन का स्क्वायर स्ट्रेन है टू इंटू टेन टू पार माइनस थ्री अपॉन फोर इसका स्क्वायर कैलकुलेट हो जाएगा ये हो गई एनर्जी डेंसिटी एनर्जी डेंसिटी क्योंकि एनर्जी डेंसिटी है तो इसके यूनिट क्या होंगे जूल पर मीटर क्यूब ये इसकी एनर्जी डेंसिटी हो जाएगी उसके बाद दूसरा पार्ट इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी निकालना है तो एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम एनर्जी डेंसिटी आप ऊपर निकाल चुके हो वॉल्यूम से आप मल्टीप्लाई कर दो एरिया पता है है वो एनर्जी डेंसिटी ऊपर वाले पार्ट से निकलेगी एरिया कितना टू इंटू टेंटा माइनस सिक्स लेंथ कितना फोर मीटर कैलकुलेट कीजिए आंसर निकालिए ठीक थर्टी टू When अ लोड ऑन अ वायर इज increased फ्रॉम 3 kg weight वेट टू kg weight, वेट तो पहले फोर्स है थ्री जी न्यूटन बाद में फोर्स है फाइव जी न्यूटन द इलांगशन इंक्रीजेस फ्रॉम पॉइंट सिक्स वन मिलीमीटर टू वन पॉइंट जीरो टू पहले इलागेशन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू पा माइनस थ्री बाद में इलांगेशन है वन पॉइंट जीरो टू इंटू टें टू पाइनस थ्री हाउ मच वर्क इज डन वर्क डन कितना होगा चेंज इन एनर्जी वर्क डन होगा चेंज इन एनर्जी वर्क डन हो जाएगा चेंज इन एनर्जी चेंज इन एनर्जी कितना होगा हाफ फोर्स इंटू एक्सटेंशन माइनस हाफ फोर्स इंटू एक्सटेंशन दोनों की वैल्यू डालिए आंसर निकालिए ठीक आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे लास्ट क्वेश्चन में आपको बोला फोर्टी के जी बॉय हुज लेग बोन्स आर फोर सेंटीमीटर स्क्वेर इन एरिया एंड फिफ्टी सेंटीमीटर लॉन्ग फॉल्स टू हाइट ऑफ टू मीटर विदाउट ब्रेकिंगस इफ द बोन्स कैन स्टैंड स्ट्रेस ऑफ विथना कैलकुलेट दंग्स मॉडल तो आप क्या करोगे ऊपर से नीचे गिरा तो वर्क डन वो किसके बराबर हो जाएगा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल वर्क डन कितना होता है एम जी एच इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हाफ स्ट्रेन का स्क्वायर स्ट्रेन की मैंने स्ट्रेस है स्ट्रेस स्ट्रेस का स्क्वेयर अपॉन यंग्स मॉडल इंटू वॉल्यूम एरिया इंटू लेके पास यंग्स मॉडल्स निकल जाएगा सारी वैल्यूज पता है यंग्स मॉडल हो जाएगा स्ट्रेस का स्क्वायर इंटू एरिया इंटू लेंथ अपॉन टू इंटू एम जी एच वैल्यूज डालो ब्रेकिंग स्ट्रेस कितना दिया हुआ है पॉइंट नाइन इंटू टेंट पर एट एरिया कितना दिया हुआ है फोर सेंटीमीटर स्क्वायर दो टांगे होती हैं तो टू से मल्टीप्लाई फोर इंटू टें टू पर माइनस फोर लेंथ है 50 सेंटीमीटर मतलब हाफ मीटर अपॉन टू मास ऑफ द बॉडी मास ऑफ बॉय 40 के जी जी की वैल्यू 9.8 पॉइंट एट एच कितना जी टेन बोला तो जी टेन और एच की वैल्यू है कितनी हाइट से गिरा टू मीटर्स वैल्यूज डालिए आंसर निकालिए लॉजिक समझ में आ गया सब कुछ ऐसा ही में कन्वर्ट कर दिया तो फाइनल रिजल्ट इसका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आएगा सो so ये थे सारे न्यूमेरिकल्स प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर सॉलिड्स के आपको करना क्या है घर पे जितने आपके डाउट्स थे वो आप रिपीट करेंगे एक एक क्वेश्चन दोबारा करेंगे पीडीएफ अभी ग्रुप में आ रही है तो कृपा करके इसको अपने हाथ से कीजिए सारे जो जो डाउट्स है स्पेसिफिकली उनको ठीक है थैंक यू